छात्रा जो डीपीएस में 12th में 500 में से 500 अंक प्राप्त करने के बाद में उसने बुलंदशहर का ही नहीं, अपने घर का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम भी गौरवान्वित किया है। हमारे साथ हैं तान्या। तान्या जी, वी नेशन में आपका स्वागत है। वी नेशन आपका बहुत स्वागत करता है। आपकी सफलता की अपार संभावनाएं और आगे भी बढ़ने के लिए आपकी शुभकामनाएं देता है। तो तान्या जी, क्या रहा सारा का सारा राज ये आपके पढ़ाई में, कितना आप कर पाए, कैसे कर पाए? सर, मैं अपनी मेहनत तो थी ही, लेकिन मैं अपनी मेहनत से ज्यादा अपने टीचर्स की मेहनत बोलना चाहूंगी। सर, हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और सपोर्टिव है। हम अगर रात में भी उन्हें कोई बताते थे कि सर हमें डाउट है या फिर मैम हमें डाउट है, तो वो रात में भी इवन 10 बजे भी 11 बजे भी हमारे कॉल उठा लेते थे हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम ही नहीं, पूरे साल जब भी हमें कोई डाउट हुआ किसी भी टाइम उन्होंने हमें हमेशा बताया और बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड किए गए, असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए गए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में। तान्या जी, आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा, प्रेरणा कहाँ से मिल पाई आप लोगों को? एक्चुअली सर, मेरी क्लास में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं क्या बोलूँ, सारे एक से बढ़कर एक है। हमारे टीचर्स को भी ये नहीं पता था कि कौन टॉप कर जाएगा, लगता था कि सारे टॉप करेंगे और टॉप किया भी है। सबके 499, 498 ऐसे मार्क्स हैं बहुत सारे। तो सर, जब क्लास में इतना टफ कॉम्पिटिशन होता है, टफ भी था और हेल्दी कॉम्पिटिशन था, मतलब किसी को कोई एक दूसरे के लिए जलने वाली फीलिंग नहीं थी, सब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन था। तो सर, जब इतने सब लोग एक कॉम्पिटिशन में है, तो खुद भी एक अंदर से फीलिंग आती है कि हम भी कुछ करें। तो सर, क्लास 500 में से 500 अंक पाना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी आपने ये सब करके दिखाया। इसमें आपके साथ में कौन लोग जुड़े रहे जिन लोगों ने आपको प्रेरणा दी? सर, पेरेंट्स तो थे, पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जिससे मैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ सकूं, तो वो एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। और सर, उसके बाद मैं अपने हिस्ट्री टीचर, जो हमारे क्लास टीचर भी थे 11th और 12th दोनों में, जफर सर, उनका बोलना चाहूंगी। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मुझे ही नहीं सारे बच्चों को, लेकिन उनकी हेल्प बहुत ज्यादा रही है 11th में भी 12th में भी, और बोर्ड एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा उन्होंने ही सपोर्ट किया। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी। आखिर में कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये टॉप करने के बाद में? अब तो आप देश में भी आपका नाम रहेगा जी, तो कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। और सर, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी वजह से मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल सर बहुत ज्यादा खुश हैं।